तोड़ के पिंजरे जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछा दो बंदिशे फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। ये पंक्तियां नारी के उस स्वरूप को उजागर करती हैं जिसे हम अपने सामाजिक दिखावे के आगे छिपा देते हैं। आज हम आपको हमारे बीच की एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है बिटाना देवी, जिनका जीवन एक साधारण महिला की तरह व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके आत्मविश्वास की किरण ने उनके जीवन को प्रकाश से भर दिया। बिटाना देवी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट कृषक सम्मान से साल 2018 में नवाजा गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बिटाना देवी को 10 बार गोकुल पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए दिया जाता है। हमारा नाम बिटाना देवी है। ये जो कितनी बार आपको अवार्ड मिल चुका है? हमको 12 बार मिल चुका है, 13वें नंबर आ गया है। इसलिए किसे सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन और सबसे ज्यादा कार्यों का अनुभव। मात्र 15 वर्ष की कम आयु में विवाह करके बिटाना देवी गृहस्थी से जुड़ गईं। हमको 25 साल हो गए। हमने एक गाय हमारे पिताजी भैंस एक पिताजी ने दिया। धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाते रहे, एक से दो, दो से तीन, फिर हमने गाय खरीदा चमरतलिया से। उससे फिर हमारा काफ़ी लाभ हुआ, फिर हमसे बढ़ाते गए धीरे धीरे और मिलते गए, धीरे धीरे बढ़ता गया कारोबार हमारा। हमारी बहू दो हैं, एक बड़ी वाली बहू रीना वो नर्स हैं, दूसरी वाली बहू हमारी सत्या जो है पुलिस में है। हमारा हमारे हस्बैंड का पूरा सहयोग था, पूरा आधा से ज़्यादा हमारे पति का है हक, और उसमें हमारे बच्चे भी जब तक यहाँ रहें तब तक लगे रहे। अब हमारे बच्चे जो बाहर निकल गए तो हम भी दो लोग हैं और दो लड़के हमारे पास रहते हैं, उसी की वजह से कारोबार चारा भूसा योजन जानवरों को देखभाल तो मास्टर करते हैं, और बाकी जो दूध का व्यवसाय घर के व्यवसाय देखभाल के हमारी जिम्मे। हम पराग के डायरेक्टर भी रहे हैं, अपनी BMC के अध्यक्ष भी हैं। हमारे पास गाय हमारे पास 20 हैं, भैंसे हमारे पास 15 हैं, और उसके बच्चे हैं जो वो हमारे पास 60-65 जानवर हैं। हमको राष्ट्रपति से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, अखिलेश सिंह से मिला, और जो हम दिल्ली गए वो की भी किसे गिना आरके सिंह से। अब तो क्षमता कोई अगाता नहीं वार्ड लेने से, अब क्या बताएं, अब तो कारोबार चलता रहेगा धीरे धीरे। तो कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमारे पास दिक्कत है तो जो हमको करना हो करेंगे, दिक्कत वाले दिक्कत करेंगे, इससे हमसे क्या मतलब है, अपना काम करिए अपने बच्चों को। बिटाना देवी को उनकी मेहनत और विश्वास ने आज इतना प्रसिद्ध कर दिया है कि वो अपने क्षेत्र मीरखनगर जो कि मोहनलालगंज में पड़ता है, आज वहाँ एक जानी मानी उद्यमी है। लखनऊ से योगेश मिश्रा, ETV भारत।